कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बलदियाती इदारों में अंधेर नगरी चौपट राज। चौकीदार भर्ती होकर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर लंबी छलांग। किसी का मुंह बोला बेटा, किसी की आंखों का तारा, ये है चौकीदार साथ दुलारा। बल्दिया बस्ती के अफसर साद सलीम की शिकायत प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट तक पहुंच गई। महकमा बल्दियात की जानिब से बल्दिया बस्ती की इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। बल्दिया बस्ती की रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ गए। बरसों से अंधेर नगरी चौपट राज का फॉर्मूला अपनाया जाता रहा। रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि साद सलीम कालदम शहरी हुकूमत में 21 मई 2009 में ग्रेड 1 में चौकीदार भर्ती हुआ। भर्ती होने के 2 साल का दौरानिया जांच पड़ताल या ऑब्जर्वेशन का होता है, लेकिन साद सलीम 20 सितंबर 2010 को गैर कानूनी तौर पर ग्रेड 8 में सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुँच गया। 2013 में ये पोस्ट अपग्रेड होकर 11 ग्रेड की हो गई। साद सलीम ने 2016 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से असिस्टेंट ग्रेड 16 की पोस्ट पर तरक्की हासिल की। रिपोर्ट में कहा गया है कि साद सलीम की होने वाली तरक्कियां मौजूदा कवानीन के मुताबिक नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद साद सलीम की सर्विस पर कदगन लग चुके हैं। साद सलीम की बल्दिया बस्ती में तैनाती के दौरान जिला की ओन सर्विसेज आमदनी करोड़ों रुपए के बजाय लाखों तक महदूद हो गई। लोकल टैक्सेस की मद में होने वाली आमदनी बल्दियाती इदारों के खजाने में जाने के बजाय मखसूस अफसरान की जेबें भरने के काम आई। इस करप्शन से बल्दिया बस्ती की सूरत हाल माली तौर पर गैर मुस्तहकम हो गई। चंद अफसरान और मुलाजमीन ने असासे बनाकर खुद को माली तौर पर मुस्तहकम बना लिया है। साद सलीम के खिलाफ एंटी करप्शन ने भी तहकीकात की थी, मगर इस तहकीकात को रवायती अंदाज में पाया तकमील तक ना पहुंचाया जा सका।